एक और कार्टून बम। जी हां, आपको बता दें तो आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में ये कार्टून बम है और आप देख सकते हैं ट्रेंडिंग गाने पर जो है ये कार्टून चलाएगा। आप देख सकते हैं मचाए शोर। मोदी की गारंटी, विष्णु का सुशासन। तो आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी ने फिर एक बार कार्टून पोस्ट कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। इंस्टाग्राम में एक कार्टून वीडियो जारी कर कांग्रेस पर तंज कसा है, जिसमें राहुल गांधी को महिला का पर्स लेकर मुस्लिम व्यक्ति को देते हुए दिखाया गया है और लिखा है कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ। तो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में ये कार्टून जो है बीजेपी ने एक बार फिर से मौका मिले कदी कदी। बचाओ राहुल जी, ये लो भैया। और इस खबर पर हमारे साथ जो है कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय नारायण जी, कार्टून जो है एक वायरल हो रहा है इन दोनों इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिसमें एक महिला का जो है पर्स एक जो व्यक्ति है वो छुड़ाते हुए दिखाया जा रहा है, लेकिन बीच में राहुल गांधी की एंट्री होती है और वो महिला राहुल गांधी से मदद मांगती है, लेकिन जो राहुल गांधी नाम का कार्टून है वो महिला से पर्स छुड़ाकर और उससे मतलब एक मुस्लिम युवक के हाथ में सौंप कर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। इस कार्टून को लेकर क्या कहेंगे? ये कार्टून बीजेपी ने जारी किया है, क्या सच्चाई है इस कार्टून में? क्या कहेंगे, क्या राय, क्या शुमारी आपकी इसको लेकर? कार्टून के जिस ढंग से आप बता रहे हैं, मैं तो देखा नहीं हूँ जी, लेकिन जैसा आपने वर्णन किया है तो भारतीय जनता पार्टी की विकृति है ये, दिमाग में जो उनके घुसा हुआ है। ये पूरे चुनाव में हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम करेंगे। ये लोग राहुल गांधी से डरे हुए हैं, इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं। 4 जून को इनकी सत्ता जा रही है। अब सत्ता को बचाने के लिए जो 3 चरण के चुनाव बचे हैं उसमें भी इनको माइनस ही होना है। तो इस तरह के हथकंडे जनता समझती है और जनता इसको अच्छे रूप में नहीं लेती। राहुल गांधी जी ने तो पद यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा की, मोहब्बत की दुकान खोली, नफरत की बाजार की बात की, तो यही नफरत की बाजार है। और राहुल गांधी को जितना ये लोग गंभीरता से लेते हो समझ में आता है कि देश गंभीरता से ले रहा है। राहुल जी आज नेतृत्व इंडिया गठबंधन का कर रहे हैं और 4 जून को हटाने की पूरी कार्रवाई इनकी जनता का फैसला आएगा और मोदी सरकार की विदाई होगी। उससे पहले जितने कार्टून लाना है, 4 जून के बाद तो ये कार्टून बन जाएंगे, जनता इनका कार्टून बनाने वाली है। लेकिन अभय नारायण, ये लोकसभा चुनाव चल रहा है, साल है, उड़ीसा में 2 चुनाव है, लोकसभा का भी है, विधानसभा का चुनाव भी है, छत्तीसगढ़ से सटा हुआ राज्य है, क्या इस कार्टून बम का जो है असर जनता पर होता हुआ दिखाई देगा? इससे क्या वोट बैंक कांग्रेस का जो है प्रभावित होगा? मैंने कहा ना कि ये विकृति है, निंदनीय घटना है और भारतीय जनता पार्टी के पास अब कुछ नहीं बचा है बोलने को, तो ऐसे हथकंडों पे आ गई है वो। खिफियानी बिल्ली खम्मा नोचे, ये कार्टून उस बात का प्रतीक है। ये पूरे देश से जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में सफाया हो ही रहा है, पूरे देश से इनका सफाया हो रहा है। और जितने राहुल गांधी पे हमले करेंगे, जितने राहुल गांधी पर ये ऐसी बात करेंगे, जनता राहुल के पक्ष में खड़ी होगी, राहुल न्याय के लिए गारंटियों के साथ खड़े। आभा जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी कड़ी में जो है बीजेपी प्रवक्ता सुनील चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, जैसे कि बीजेपी ने एक बोल सकते हैं कि कार्टून वीडियो वायरल किया है जिसमें राहुल गांधी को एक महिला का पर्स छीनते हुए एक मुस्लिम व्यक्ति को पास करते हुए दिखाया गया है, आखिर इस कार्टून पोस्टर वॉर से क्या बीजेपी, जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, उड़ीसा की बात की जाए वहां पर विधानसभा के चुनाव भी है, लोकसभा की भी है और छत्तीसगढ़ से सटा लगा हुआ उड़ीसा राज्य है, क्या ऐसे में इस कार्टून के जरिए क्या बीजेपी फतह किला फतेह करना चाहती है? जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो स्पष्ट रूप से संदेश देने का काम कर रही है। आप देखेंगे जिस प्रकार से कांग्रेस के युवराज जो बयान देते आ रहे हैं, कांग्रेस के शहजादे लगातार बोलते आते हैं,
और उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक ये संदेश देने का काम है। भाई आपने कर्नाटक में क्या किया, कर्नाटक के अंदर में आपने आरक्षण को धर्म के आधार पर देने का प्रयास किया, जेएनयू में क्यों आरक्षण नहीं देते, धारा 370 के कारण कश्मीर में क्यों आरक्षण नहीं मिलता था। तो कुल मिलाकर के जब राहुल गांधी एक्सरे की बात करते हैं कि मैं देश में एक्सरे कर दूंगा, भैया क्या एक्सरे करने वाले हो आप, और सैम पित्रोदा का क्या बयान था, स्त्री धन पर आप काली नजर लगा करके बैठे हुए। अरे हम भारतीय संस्कृति के लोग हैं, यहाँ पर भारत में हमारी नानी दादी जो अपने पोते पर पोते के लिए धन इकट्ठा करके रखती है, तो ये स्थिति है। अरे ये राहुल गांधी बचे कहाँ है, राहुल गांधी की कोई स्वीकारता ना कांग्रेस में है और ना ही जनता के बीच में है। अभी इनको हार दिख रही है तो ये दुनिया भर का प्रपंच कर रहे हैं। अभी अब देखो 10 किलो चावल लेंगे, अरे भैया कोई नहीं मानने वाला आपकी बात, कांग्रेस खत्म है पूरी तरीके से, कांग्रेस खत्म है पूरी तरीके से, राहुल गांधी भी नहीं बचा सकते, कोई भगवान नहीं बचा सकता। 4 जून के बाद कार्टून बनते नजर आओगे आप, देखिएगा 4 जून के बाद में बहुत सारे कार्टून कांग्रेस घूमेंगे देश के अंदर में। सुनील जी एक लाइन में जवाब चाहूंगा, समय कम है, चूंकि कांग्रेस के अभय नारायण जी बोल रहे थे कि आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं, इसलिए आप कार्टून के सहारे जो चुनाव लड़ना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं। सुनील जी सुन पा रहे हैं आप जी? अभय नारायण जी ने कहा है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो कार्टून के जरिए चुनाव जीतना चाहते हैं, कोई मुद्दा ही नहीं आपके पास कांग्रेस को घेरने के लिए। कांग्रेस बची कहां है, मुद्दा क्या है? मुद्दा तो हम अपने विकास 10 साल के काम के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं ना, हम तो बता रहे हैं कि हमने क्या किया। अरे भैया गरीबों के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है उसकी तुलना आप कर सकते हो? प्रधानमंत्री आवास जैसी योजना, शौचालय जैसी योजना, आप देखेंगे गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन देने का काम कर रहे हैं, बीमा योजना लेकर के आ रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, तमाम योजनाएं। ऐसे तो समय की सीमा कम है, चूंकि अब देखना होगा कि 4 जून को आपके दावे और अभय नारायण जी के वादों में कितना जो जनता विश्वास करती है नतीजे आने के बाद पता होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।